हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में एक ऐसे मेकअप ब्रशेस शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाले हैं, और अगर इस टाइम पे आप शॉप करते हो ना तो आपके लिए सुपर डुपर अफोर्डेबल होने वाले हैं। तो मैं बात कर रही हूँ नेक डुप्लस के इन मेकअप ब्रशेज की। तो बेटा मेरे ब्रशेज़ हैं ये नेक डुप्लस के ब्रशेज़ हैं, और ये मैंने परचेज़ किया था अमेज़ोन से। प्राइस जो है इसका काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है क्योंकि अमेज़ॉन पे चल रही है सेल। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो प्राइस मैं आपको अभी आगे के वीडियो में बताऊंगी कि अभी क्या प्राइस चल रहा है, मैंने इसको किस प्राइस पे ख़रीदा था। तो वीडियो को फुल देखिएगा और एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ वाली बेल बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो ये मेकअप ब्रशेस, वैसे तो जब हमें मेकअप ब्रशेस चाहिए होते हैं तो हम बहुत सारे मेकअप ब्रशेस को स्क्रॉल करते हैं। जो अच्छे वाले मेकअप ब्रशेस हमें लगते हैं उनके जो प्राइस होते हैं थोड़े से हाई होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक 600, 700, 800। अच्छे ब्रशेस की बात करें तो 600, 700, 800 से नीचे तो ब्रशेस अच्छे आते ही नहीं हैं। जो भी आते हैं वो ऐसे नॉर्मल आते हैं जिनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जो थोड़े से मतलब ऐसे काम चला हो जाते हैं, बट उतना जो हमें चाहिए वो चीज़ें नहीं हमें मिल पाती। तो ये वाले जो ब्रशेस हैं ये काफ़ी अफोर्डेबल हैं, काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल, आप आई मेकअप का स्टार्ट करने वाले हो या नॉर्मली भी आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाले हो, अगर आप बिगिनर हो, आपको अच्छे अच्छे आई मेकअप्स चाहिए होते हैं, तो आप ये वाले नेक डुप्लस के ब्रशेस आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस डिटेल्स कवर होंगी तो वीडियो को फुल देखिएगा, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी यहाँ पर, और मैंने फ़ैन को धीमा कर रखा है क्योंकि आवाज़ आती है वीडियो में तो फिर वीडियो क्लियर नहीं होता। मैंने बाल भी ओपन कर रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन ब्रशेज के बारे में है क्या वो मैं आपके साथ में शेयर हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने सारा कुछ एक डायरी में नोट डाउन कर लिया है। तो मेकअप ब्रशेज सेट टूल प्रोफेशनल फाउंडेशन एंड आई लाइनर आई शेडो है, और ये ब्लैक और सिल्वर में है। सॉफ्ट ब्रिसल्स दैट स्टे, और इसके जो ब्रिसल्स हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं। ग्रेट फॉर अप्लाइंग क्रीम पाउडर एंड लिक्विड मेकअप फॉर योर प्रोफेशनल मेकअप। स्टार्ट योर प्रोफेशनल मेकअप नाउ इवन इफ़ यू आर नॉट अ प्रोफेशनल विद दीज ब्रशेज एंड स्पंज यू विल ऑलवेज लुक लाइक वन। हाई एंड वुड हैंडल प्रोफेशनल मेकअप ब्रश सेट नॉन स्किन इरिटेशन नॉन शेड। प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेज एंड ब्रश एज सेट 10-piece मेकअप ब्रश, 1-piece मेकअप स्पंज एंड 1-piece मेकअप ब्रश एज दैट इज़ ऑफ प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ डिफरेंट यूज नोजेज आइज फेस आई लाइनर आई लैशेज लिप एंड सो ऑन। यू विल फाइंड ऑल यू नीड इन दिस डिजर्व्ड एट, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं यानी कि इनके जो ब्रिसल्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, जो कि अभी मैं आपको अगर ब्रशेज दिखाऊँगी तो आपको खुद समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमको इसमें मिलते हैं 10 ब्रशेज, नेक डुप्लस के ब्रशेज हैं, इसके साथ में 10 ब्रशेज मिलते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे 5 आई ब्रशेज मिलते हैं। लाइक आई मेकअप के लिए आपको ये 5 ब्रशेज मिलते हैं, और आपके फेस मेकअप के लिए आपको ये 5 ब्रशेज मिलते हैं, ठीक है। सारे ब्रशेज जो हैं ये आपको एक प्लास्टिक पैकेजिंग में दिए गए हैं जब आते हैं, ताकि आपके पास ख़राब ना हो। और आपको अगर इसको नया बनाए रखना है तो आप इसको इसी में रखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस ब्रशेस की। तो फेस ब्रश में हमारा जो ये पहला ब्रश है, इसके बाल निकले हैं एक्स्ट्रा, ये थोड़ा सा एंगल ब्रश में है। आप ब्रशेस हैं सारे और आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक ब्रश से काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। लाइक आप इससे फाउंडेशन वाले से पाउडर लगा सकते हो, ब्लश वाले से कंटूर कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कौन सा ये वाला जो फर्स्ट ब्रश है, ये थोड़ा सा एंगल ब्रश है। इसके साथ में आप अपना ब्लश लगा सकते हो, आप इसके साथ अपनी कॉन्टोरिंग कर सकते हो, लाइक इस तरह से, ठीक है। इसके साथ आप अपनी कॉन्टोरिंग कर सकते हो अपने फेस की, क्योंकि थोड़ा सा इस तरह से हमें इस डायरेक्शन में करना होता है, और ये भी थोड़ा उसी तरह से। तो आप इस तरह से आप अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर सकते हो,
नेक्स्ट जो ये है एकदम सीधा सीधा सा ब्रश है, मतलब बिल्कुल भी कहीं से एंगल वेंगल नहीं है, तो आप इसके साथ अपना फेस का पाउडर कर सकते हो, आप इसके फाउंडेशन लगा सकते हो, ये काफ़ी अच्छे से आपका फाउंडेशन लगा देगा। एक और ये फ्लैट सा ब्रश है, इसके साथ आप अपना फाउंडेशन लगा सकते हो, लाइक आप इसको ऐसे ऐसे डैब 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 करके अपना फाउंडेशन लगा सकते हो आप इस, और बिलीव मी काफ़ी अच्छा आपका इससे फाउंडेशन वाला ब्रश, आप इसके साथ में अपना कंसीलिंग कर सकते हो, लाइक यहाँ पे इस तरह से कंसीलिंग कर सकते हो, आप आई मेकअप करते हो आपका जो यहाँ पे एक्स्ट्रा गिर जाता है आप उससे इसको क्लियर कर सकते हो, कंटूरिंग नोज़ वाली इससे नहीं कर सकते हो लेकिन करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। और यहाँ पे एक और मुझे ये एंगल ब्रश है, यहाँ पे मतलब एक और एंगल ब्रश है, इसके साथ में आप अपने पूरे फेस का मेकअप सेट कर सकते हो, आप इसके साथ में ब्लश कर सकते हो, ब्लश के लिए काफ़ी अच्छा है। एक ब्रश का मतलब मैंने दो ब्रश हैं उसको फाउंडेशन के लिए दोनों को बता दिया, मैं भी ये वाला, तो होता है ना कभी कभी आपने ब्लश लगा लिया और के लिए आपको दूसरा ब्रश चाहिए, तो इतने सारे ब्रशेज हैं आप इसको यूज़ कर सकते हो अलग अलग यूज़ में, ज़रूरी नहीं है कि जो सा ब्रश जिसके लिए है आप उसी के लिए यूज़ करें, आप कोई से भी ब्रश किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके ब्रश हैं आप इनको जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ आई ब्रशेज की, तो आई ब्रशेज यार इतने अमेजिंग वाले आई ब्रशेज हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे, क्योंकि इससे पहले मैंने जो ब्रश बाय किए थे वो मैंने बाय किए थे वो अलग थे, मतलब दूसरी क्वालिटी के थे, तो मुझसे उससे आई मेकअप काफ़ी अच्छे से नहीं हो पाता था, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था उससे आई मेकअप करना, तो मैंने आई मेकअप के लिए स्पेशली मैंने इन ब्रशेस को ऑर्डर किया है, और ये काफ़ी अच्छे से ब्रशेस हैं, आप देख सकते हो इनके जो ब्रश हैं इनके जो ब्रशेस हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से ब्रश हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है वहीं से था, तो ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से ब्रश हैं, और इसके साथ में मैंने अभी जो ये आई शेडो लगाया ना इसी से लगाया और इतना स्मूथली ये लग गया और काफ़ी अच्छे से। तो फर्स्ट जो हमारे ये ब्रश है इसके साथ में आप अपनी मैंने इसे आई शेडो लगा लिया है, मतलब ब्लेंड कर लिया है, आप इसके साथ में वैसे ये आप नोज़ की कॉन्टोरिंग कर सकते हो, दूसरा नोज़ की कॉन्टोरिंग कर सकते हो, चीक्स की कॉन्टोरिंग मतलब छोटे छोटे एरिया की जो कॉन्टोरिंग करनी होती है वो आप कर सकते हो, और ये वाले ब्रश से ब्रश के साथ अपने ब्रश इसको आई शेडो को आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, इसके साथ में भी आप अपना आई शेडो ब्लेंड कर सकते हो, लाइक आपको होता है कभी आपने डार्क कलर किसी ब्रश में यूज़ कर लिया फिर आपको लाइट कलर यूज़ करना है, तो आपको ब्रश अगर वही वाला यूज़ करोगे तो क्या होगा कि आई मेकअप ख़राब हो जाएगा, मेकअप सही से नहीं आएगा, तो उसके लिए आप वो यूज़ कर ये यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में ये जो फोर्थ ब्रश है इसके साथ अपना आप कोई भी कलर पिक करना हो ऐसे पैट पैट करके लगाने के लिए तो ये ज़्यादा बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हो कलर पैटिंग के लिए, मतलब डायरेक्ट आप उससे उठाकर लगाओगे तो फिर थोड़ा सा स्मच हो जाएगा, जैसे छोटी सी जगह में क्रीज बनाने के बाद जब आपको कलर पैट करना होता है तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो। और अगेन यहाँ पे ये ब्लेंडिंग कॉन्टोरिंग के लिए ब्लेंडिंग के लिए किसी भी चीज़ के लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हो, आप हाइलाइटिंग कर सकते हो, आप यहाँ पर हाइलाइटिंग कर सकते हो, आप अपने ये वाला जो आई बोन्स बोलते हैं ना इसको आप कर सकते हो हाईलाइट, छोटे छोटे एरिया की हाईलाइटिंग के लिए ये वाले ब्रश हैं। तो ओवरऑल मुझे ये वाले ब्रश बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और इन सब के अगर मैं ब्रिसल्स की बात करूँ तो ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से ब्रश हैं, लाइक एक मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके जो ब्रिसल्स हैं ये इतने सॉफ्ट हैं मतलब जस्ट अमेजिंग। तो मैंने ट्राई करने के लिए एक ब्रश वहाँ पे यूज़ किया था जैसे कि अभी आपने देखा, और इतने ज़्यादा अमेजिंग ब्रश हैं आप इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे मुझे अभी यहाँ पे स्वेटिंग हो रही है और मैं इससे हटा रही हूँ, कितना अच्छे से देखो मेरा पसीना भी साफ़ कर रहा है, तो इसके जो ब्रशेस हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू नेक्ड प्लस ब्रशेस का, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ब्रशेस हैं,
अगर आप बिगिनर हो, अगर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये वाले ब्रश ज़रूर परचेस करो। मैं तो बोलूँगी ज़रूर से ज़रूर परचेस करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी जो ब्रशेज़ होते हैं जिनमें 24 पीसेज होते हैं, वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं जितना ये यूज़फुल है। अब बात करते हैं प्राइस की, तो मुझे ये वाला मिला था 248 रुपीज़ का। ठीक, इसका जो एक्चुअल प्राइस है, इसका प्राइस है 599 रुपीज़। आप यहाँ पे देख लो, इसके पैकेट पे लिखा हुआ है 599 रुपीज़ का ये ब्रश है। मुझे मिला था 248 का, लेकिन अगर आप अभी ऑर्डर अपना प्लेस करते हो, आप अमेज़ॉन से बाई करते हो, तो ये आपको पता है कितने का मिल जाएगा? तो ये आपको मिल जाएगा 229 का, मतलब 229 रुपये का ही मिलेगा। प्लस आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी अगर आप अभी ऑर्डर करते हो अभी, क्योंकि सेल चल रही है तो आपको वहाँ पे फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये था छोटा सा रिव्यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप किसी और वीडियो का, आप किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके लिए वो रिव्यू ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो ये था मेरा रिव्यू नेक्ड प्लस ब्रशेस का, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।